तथामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलोव्य नष्ट दृशामेश पुराणार्कोदनोदितः। कृष्णेश्व धामोपगते, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, कैसे चले गए, धर्म ज्ञान आदि सब के सहित चले गए, तब कलौ नष्ट दृशा, तब कलयुग में इनको कोई मार्ग का ज्ञान ही नहीं रह गया। हमें क्या करना क्या नहीं करना, धर्म अधर्म पुण्य पाप किसी का भी ज्ञान नहीं, उसको कहते नष्ट दृशा, यानी कि अंधे हो गए, सारी दुनिया अंधी थोड़ी हो गई। नष्ट दृशांकार थे, उनको धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, पुण्य पाप आदि के बारे में कोई दृष्टि देने वाला, विचार देने वाला कोई नहीं रह गया, सारा खत्म हो गया, धर्म ज्ञान सब चला ही गया कृष्ण के साथ। अब रहा क्या गया, नहीं रह गया ज्ञान। ज्ञान रहित होने से लोग क्या हुए, नष्ट दृग हो गए, इनको अभी क्या करना क्या नहीं करना सूझबूझ रहित हो गए, किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ऐसे लोगों के प्रति यह पुराण रूप सूर्य उस समय जग गया, समझो। अधुना पुराणार को उदिता, अब जो है जाकर के वह भावत पुराण रूप सूर्य उग गया, जिसके माध्यम से सबका दृष्टि अंधकार से दूर हो गया, चारों तरफ धर्म ज्ञान आदि रहित और अंधकार छा गया, अज्ञान छा गया था। अब ज्ञान रूपी सूर्य जब जग गया, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, और सब लोगों को समझ में आई हमें क्या करना है क्या नहीं करना। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां दीर्घ सत्रणां वृद्ध कुलपति सूतं इति प्रमाणम। ऐसा कहता हुआ सूत महाराज जी को सुनते हुए संस्तुय मुनिनाम दीर्घ सत्रिनाम वृद्ध कुलपति ही भवृच शौनको सूतम प्रति अब्रवी। ऐसा कहते हुए को स्तुति करते हुए मुनियों में जो दीर्घ सत्रिनाम मुनिनाम वृद्ध दीर्घ सत्री, इन सकल मुनियों में जो श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, कुल का जो है पति है, कुल का रक्षक है, ऐसा जो शौनक ऋग्वेद का ब्राह्मण शौनक महर्षि ने उस सूत महाराज जी से इन वचनों को कहा, क्या कहते हैं वो भी बता। वृद्ध तो बहुत बनेगा, वयोवृद्ध नहीं, इसलिए वृद्धेशो भी कुलपति ही, गुणम क्या तेषो भी बहुषियो बहुषा, उनमें भी जो ऋग्वेदी, उन ऋग्वेदियों में जो शौनक नाम से प्रसिद्ध, ऐसे उत्तर उत्तर समझते जाना विशेषणों को। वहां मुनियों में भी दीर्घ सूत्री दीर्घ सत्री, लाखों मुनि है, लाखों मुनियों में से जो दीर्घ सत्र याग करने के लिए बैठे हुए हैं, सत्राय दीदी सत्रम दिखाया था ना मैंने, सत्राय दीदी सत्रम दीर्घेण साध रहना सदैव त्रायदेति दीर्घ सत्रम, मैंने अनेक काल दीर्घकालीन साधना के द्वारा, निरंतर साधना के द्वारा जब सत्र आत्मा की रक्षा करने के होता है उसको कहते हैं दीर्घ सत्री, अर्थात जो मोक्ष होता है उसको दीर्घ सत्री कहते हैं। इसे मुनियों में भी जो वृद्धि सिद्धि को पाने की इच्छा वाले नहीं है ये दीर्घ सत्री, अर्थात एक मोक्ष है, उनमें से भी जो वृद्ध है अर्थात उनमें से बहुत समय से करते करते बूढ़ा गए हैं, उनमें से भी जो बूढ़ों में से भी श्रेष्ठ कौन है, कहते हैं उनमें से जो कुलपति है गण मुख्य, कुल में गण पति में मुख्य, उस पूरे गण का रक्षक, मुमुक्षु गणों का रक्षक, ऐसा रक्षकों में से भी जो ऋग्वेदी, गण मुख्यों में भी जो ऋग्वेदी है और ऋग्वेदियों में से भी जिसका नाम शौनक है, ऐसा महान व्यक्ति ने कहा। शौनक कितनी विशेषण दे दिया। शौनक वाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यथा भगवान् शुकः।
हे सूता हे सूता हे महाभाग वदताम्बर, बोलने वालों में जो श्रेष्ठ है ऐसे आप जो है ना मैंने अस्माकं प्रति कथाम पुण्याम भागवतीम कथाम यद भगवान शुक आदम, जो भगवान शुक ने वो पुण्यमयी भागवती कथा को कहा था वही भागवत कथा को आप हम लोगों के प्रति भी कहिएगा। लेकिन हम उसमें जानना चाहेंगे किस युग में सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाए थे, कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। हमें सब जानना चाहेंगे कौन से युग में यह वास्तव में भागवत पुराण प्रवृत्त हुई थी। सुखदेव महाराज का बोले वो छोड़िए, पहले व्यास ही नहीं लिखा है ना, फिर उसको सुखदेव को सुनाया, इन पहले भगवान ने ही प्रकट किया था। क्यों प्रकट किया, किस युग में प्रकट किया उसने, जो चतुश्लोकी भागवत पहले आया ना, सबसे पहले तो चतुश्लोकी भागवत आया, वो क्यों बनाना पड़ा चतुश्लोक भगवान को, फिर उसका विस्तार हुआ समझाने के लिए बातें। ब्रह्मा जी को तो चार श्लोक से काम चल गया था, इसलिए पहला जो हुआ पक्का कस्मिन् युगे इयं प्रवृत्ता, कस्मिन् वा स्थाने किस स्थान में प्रवृत्त हुआ, केन वा हेतुना किस कारण से हुआ, कुतः च संचोदित पृष्ठः कृतवान् संहितां मुनिः। और जो द्वैपायन कृष्ण है, कृष्ण से भगवान कृष्ण है ना, द्वैपायन कृष्ण को लेना व्यास जी को, मुनि है ना विशेषण आगे कृष्णा मुनि, इसलिए भगवान को नहीं लेनी है, यहाँ द्वैपायन कृष्ण को लेना है, कृष्ण द्वैपायन मुनि, जिसको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, उस मुनि ने जो है कुछ संचोदिता किससे प्रेरित होकर के इस महान पारमहंस संहिता को रचना किए थे वो हमें बताइए। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिं निर्विकल्पः एकांतम् अतिरुन्निद्रो गो एकांतम् अतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते, एकांतम् अतिरुन्निद्रः एकांतम् अतिरुन्निद्रो, एकांतम् अति अलग हो जाएगा उन्निद्रः ऐसा हो जाएगा। और उस व्यास का भी बेटा सुखदेव महाराज कैसे हैं, महान योगी समद्रिक समदर्शी है वो, उपदेक्षन्ते ज्ञानम तत्व तत्व दर्शी, उसमें नहीं आया समदर्शी ना, उसमें नहीं आया समदर्शी शब्द दूसरे श्लोक में, शुनी च हाँ शुनी च शपाके च उसमें समदर्शी पंडिता समदर्शी, हाँ पंडिता समदर्शी समदिंग निर्विकल्पः सदा सहज समाधि में रहने वाले एकांतमति निश्चित एकमात्र ब्रह्म में मति है जिसका, ऐसा जो एकांतमति है वो उन्निद्रा, निद्रा नाम की चीज जानते नहीं क्या होता है, नींद नाम का चीज पता ही नहीं, उन्निद्रा उद्गत निद्रो यस्मास उन्निद्रा गूढ़ अत्यंत रहस्य पूर्ण है, इसलिए देख रहे लोग क्या समझ रहे हैं, ये जंगली घूम रहा है न बाल बनाया न कुछ बनाया, नंगा धड़ंग भागला बताओ पागल है, लोग ऐसे ही समझते हैं उसको, सुखदेव को देखते हैं मूड करके लोग तिरस्कार कर देते हैं, मूड इव इवे मूड के समान घूमते फिरते करते हैं ऐसा हो। सुखदेव महाराज दृष्टानुयांतम ऋषिमात्मजम अनग्नं देवियो ह्रिया प्रदुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मरौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे, उसकी महिमा गौर समझाते हैं। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम आत्मजम अपि अनग्नं, आत्मजम अनुयान्तं ऋषिम दृष्ट्वा, आत्मजम ने सूर्य महाराज उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, व्यास जी रुक जाओ बेटा रुक जाओ चिल्लाती, और ये कैसे थे व्यास जी, अनग्न वस्त्र पहने हुए थे, देव्या प्रिया परिदु, लेकिन ऐसे व्यास जी को देख करके
जो नदी में नहाती हुई स्त्रियां अपने कपड़ों से उनको अपने आप को ढकने लगी। न सुतस्य चित्र, तेरा पुत्र सुखदेव को पहले पहले तो सुखदेव गए नंगे, नौजवान थे, ये तो पुट्टा है व्यास जी, वो नौजवान जा रहा है दौड़े दौड़े रंग धड़ंग, अब उसको देख करके औरतों को लज्जा नहीं हुई, लेकिन व्यास जी पुट्टा वस्त्र वगैरह अलंकृत है, अब उसको देख करके शर्मा रहे, बड़ा विचित्र बात है नहीं। अब नंगे जवान को देख करके मन में कोई विकार नहीं आया, और बूढ़ा सभूषण वाला होते हुए भी उसको देख कर उनके मन में आया कि भाई पता नहीं ये क्या है, तो वस्त्र से ढकने लग गए अपने आप, ऐसे क्यों होगा। तद वीक्ष्य पृच्छति रिया देविया प्रतिदु, लज्जा के मारे देविया जो है सारी औरतें वहां पर अपने आप को ढक ली। न सुतस्य चित्रम, लेकिन सुत को देख करके उनको कोई विचित्रता उसके अंदर महसूस नहीं हुआ। जल में खेल रही थी क्रणम दिया देव्या अप्सरसः क्रिया लज्जया प्रतिदुः वस्त्र प्रदानं कृतवत्या। और इस विचित्रता को देख करके तद्वीक्ष्य पृच्छति, पृच्छति मनौ जगदुः, मुनौ तद्वीक्ष्य पृच्छति, उस स्थिति को देख करके मुनि ने पूछा। जब मुनि ने पूछा तो मुनि के प्रति उन लोगों के जवाब क्या जवाब था, तवासिते स्त्री कुंभिदा, अरे तुम्हारे हृदय में स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान है, और वो भेद ज्ञान के कारण हो सकते तुम भले बुड्ढा हो, तेरे अंदर काम वासना चल सकता है, इसलिए भरोसा नहीं तुम्हारा, इसलिए हमको कपड़े से ढके लज्जित होकर अपने आप को बचा लेना पड़ रहा है। और उसमें क्या है, न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि है, क्योंकि वह विवेक दृष्टि वाला है, उसके अंदर जो है ना विविकता पूता पवित्र दृष्टि, पवित्र दृष्टि वाला है, उसके स्त्री पुरुष भेद ही नहीं है, कामना कहां से उठेगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा है उसको पता ही नहीं स्त्री क्या है पुरुष क्या है, मैं लड़का हूं लड़की हूं, उसे खुद को पता है कोई लड़का है कि लड़की है, पता रहता है बच्चे को, पता रहे तो नंगा कैसे भागे सड़क पे, हो नंगा घूमते रहता है सड़क पे, कहीं से पता नहीं मैं लड़का हूं मैं नंगा हूं मैं लड़की हूं मैं नंगी घूम रही हूं, कहां उसको ज्ञान, वो भेद ज्ञान है नहीं, इसलिए उसको देखकर कोई लज्जित होएगा क्या, नहीं होता। ठीक उसी प्रकार सुखदेव के अंदर भी किसी भी प्रकार का भेद ज्ञान नहीं था, पवित्र दृष्टि थी, अतः उनको देख करके उन स्त्रियों को कोई लज्जा करने की जरूरत नहीं। ऐसा दिव्य थे कौन, सुखदेव महाराज। कथम आलक्षित पौरै संप्राप्त कुरुजांगलान उन्मत्त मूक जड़वत विचरन गज साहुवय। कथम आलक्षित पौरै, अरे सुखदेव महाराज को पौर जन कैसे पहचान लिए, पौर मैं शहर के लोग परीक्षित के पास कैसे आ गए, वो कहने का मतलब परीक्षित कौन लाया सुखदेव महाराज को वहां, वो तो जंगलों में घूमते रहे जंगली आदमी थे, उनको कौन पहचाना, कौन उनको कैसे लाया, ये समझ में नहीं आता है। इसे कहते हैं पौरही कथम आरक्षित, कैसा उन्होंने उनको पकड़ लिया पहचान लिया, क्योंकि वो कहां थे, कुरुजांगलान संप्राप्त, कुरुजांगल प्रदेशों में को प्राप्त हुए थे वो, कुरुजांगल एक देश विशेष का नाम, कुरुजांगल देश को कुरव जांगलाश्च देश विशेषाः तान संप्राप्त प्रथम, पहले प्राप्त हुए फिर बाद में कहां चले, गजसा हुए, गजसा हुए मैंने हस्तिनापुर, उसके जंगलों में उन्मत्तवत मूकवत
जड़वत विचरण, उन्मत्त और पागल के समान, मूक गूंगे के समान और जड़ बुद्धि वाले के समान विचरते हुए उनको लोगों ने कैसे पहचान लिया। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षेर्मुनिनाशः संवाद स्वभूतात्ता यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षेर्मुनिनाशः संवाद समभूत, और राजर्षि पांडवे जो परीक्षित, पांडवे एक पोता का पोता है ना, तीसरे कहते जो है जो राजर्षि जो परीक्षित है, पांडु पुत्र के पुत्र है, जो तो पुत्र के पुत्र है पांडु पुत्र अर्जुन, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, तीसरे पांडवे यह कह दिया राजर्षि है। उस राजर्षि परीक्षित के साथ में मुनिना सह संवाद खत्म समवत, उनका कब मिलन हुआ, कैसे उनका आपस में संवाद हो गया। हे दादा यत्र एषा सात्वती श्रुति ही, यत्र संवादे एषा सात्वती मैंने भागवती श्रुति ही संहिता समभवत, उसके साथ जोड़ दिया, जहां पर यह जो श्रेष्ठ पुण्यवती भागवती जो कथा है, संहिता है, श्रुति से यहां वेद नहीं, श्रुति मैंने संहिता कथा, सात्वती मैंने भागवती, यह जो ऐसा भागवती कथा यत्र समवत, ये भागवत से भागवती संवाद यत्र समवत जहां हुआ था वो आप हमें बताइए, कहा हुआ और कैसे। सगोदो हनमात्रम ही गृहेषु गृहमेदिनाम, ये संशय का कारण क्या है, संशय कारण इसलिए है सुखदेव महाराज एक जगह टिकते ही नहीं थे, जहां समय एक गौ को दोहन करने के लिए जितना समय जरूरत होता था उतने ही समय पर एक घर पर भिक्षा के खड़े हो जाते, कोई सहज रूप से मांगते नहीं थे, खड़े होते, उनका खड़े होने से वो घर मालिक महान पवित्र तीर्थ स्थल हो जाता, ऐसी दिव्य आत्मा थी, जहां उनकी चरण पड़ गया वही तीर्थ हो गए और लोग प्रसन्नता से भिक्षा देते थे, और देना दे वो तो उनके आगे चल गए, प्रारब्ध कर्म के से विरक्त पुरुषों के शरीर ही ऐसा हो तो टिक्की नहीं जगते की जगह पर, वो चल बसे, एक गो दोहन काल से अधिक जब खड़े नहीं होते एक जगह, ऐसे ही व्यक्ति साथ ही नहीं खड़ा हो गया बैठ गया और कथा कर दी, ये बड़ा आश्चर्य की बात है ना, इसलिए संशय हो रहा है हमको ये कैसे हो गया, सोनक महाराज कहते हैं इसलिए हमें संशय होता है ये कैसा योगा योग बन गया विलक्षण कि सात दिन तक एक जगह बैठ गए और कथा श्रवण करा दी। श्लोक में करे स गो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थि कुर्वंस्तदाश्रमम्, गृह में गृहस्थान गृहेशु गृहस्थों के घर के सामने में सा वह सुखदेव महाराज गोदोहन मात्र अवेक्षित है, गोदोहन मात्र काल पर्यंत अवेक्षित करके दिखाई देते थे, इतने से ही स महाभाग तद आश्रम तीर्थि कुर्वन अवेक्षित है, वह महाभाग सुखदेव मान लो उस गृहस्थ आश्रम को तीर्थि कुर्वन तीर्थ भाव को प्राप्त कराते हुए वहां से चले जाते थे, ऐसा जो सुखदेव थे उनका कैसे संबंध हो सकता है, वो कैसे घर की कथा कर गए इत्यादि प्रश्न और मुझे पूछेगा। अच्छा तो कह रहे थे गोदोहन मात्र काल पर्यंत टिकने वाले उस गृहस्थीय घर को तीर्थ बना देने वाले उससे अधिक समय तक एक जगह टिकते नहीं थे, जो उनका संबंध कैसे हो गया और इतने समय तक वो एक जगह कैसे टिक गए। अभिमन्यु सुतम सुत प्राहुर भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गणीयः, और इस अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित ये सुत उनको भागवोत्तम अभिमन्यु सुतम भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है, उनके गर्भ में रहते हुए उसको भगवान का दर्शन होता है,
इसलिए उसका नाम विष्णु रहा, तो विष्णु से रक्षा। भगवान विष्णु ही वहां पर थे गर्भ, ने तो छोड़ दिया था ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने, उस समय यदि उत्तरा भगवान के शरण में नहीं जाती और भगवान गर्भ में आकर रक्षा नहीं करते तो मर गया था। तो इसलिए भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त गर्भ में रहते वक्त मिल गया दर्शन। प्रहलाद भी बहुत समय बाद, बहुत पापड़ बेला, बहुत कष्ट उठाया तब जाके मिला। ध्रुव भी बहुत तपस्या किया, नहीं बाकी सब भक्त तो भागवत है, इन्हें भागवतोत्तम है क्योंकि गर्भ में ही इसको भगवान की कृपा प्राप्त है। ऐसी जो अभिमन्य सुत तस्य जन्म, क्योंकि उसका जन्म भी महान आश्चर्य है, उसके बारे में मुझे बताइए। कर्माणि च गृणीहिनः, और उसके द्वारा किए हुए दिव्य कर्मों को भी आप हम लोग ग्रहण कराए, अध्ययन करें। स सम्राट कस्य वाहे तो पांडव नाम मानवर्धन रायोपविष्टो गंगायाम अनाधृत्याधिराक्षियम। स सम्राट, अहरोपरिचित सम्राट था, किस कारण से वो प्रायोपविष्टा पांडव नाम मानवर्धन सह, पांडवों के मान को बढ़ाने वाला वह सम्राट किस कारण से प्रायोपविष्ट, उपवास आदि से लेकर आमरण अनशन को ले लिया और गंगा के तट पर बैठ गया। अनादृत्य विराटश्रियम, सम्राट होने के नाते जो महान ऐश्वर्य प्राप्त था उसको जो अनादृत्य अनादर करते हुए त्याग करके वो क्यों बैठे थे बताइए, किस कारण से वैसे बैठ गए, वो कथा भी सुनाइए। वो अधिराट अधिराट श्रियम कहते, उनके पास जो श्री था वो साधारण नहीं था, क्योंकि अनेक शत्रु लोग जो उस समय में रहे छोटे मोटे राजा उसके डर के मारे सब आकर के उसके चरणों में हमेशा धन दौलत को डालते थे। नमंती यत पाद निकेतम आत्मना शिवाय हानि धनानि शत्रुवः, कथन सवीर श्रियमंग दुस्तजाम युवैषतो सृष्टमहो सहासुभिः। कैसे उसका ऐश्वर्य वगैरह था, अरे यत पाद निकेतम आत्मन शिवाय हानि धनाद शत्रुवः आत्मन शिवाय हानिय धनानी नबंदी, जिसके चरण रखने को जो पीठ होता था, राजा लोग पैर जमीन पे थोड़े रखते, जहां बैठते तो उसका एक पीठ होता था उसके ऊपर वो पैर, उस पीठ को उसके चरण छूने की हिम्मत नहीं किसी को, वो पीठ को प्रणाम करके माल पानी चढ़ा के जाता शत्रु को। यत पाद निकेतम, पाद का जो आश्रय स्थान, वो जो पीठ होता था चरण पीठ, उसको आत्मना शिवाय अपना कल्याण के लिए, आत्मना शिवाय अपने कल्याण के लिए, और वो शत्रु थे ना, वो सब छोटे मोटे अन्य लोग शत्रु ही होते, दूसरे जो राजा होता है शत्रु ही होता, लेकिन वो अपने कल्याण के लिए वो लोग जो हानिय धनानी उनके चरणों में धना धनों को लाकर डाल देते थे, त्याग कर देते थे और नमंदी नमस्कार करते। सवीर, ऐसा जो वीर जिनके चरण कमल अरविंदों को रखने का पीठ को प्रणाम करके सब अपने आप को सुरक्षित कर लेते थे पूरे संसार भर के लोग, ऐसे जो महान वीर है, हे अंगा श्रीयम दुस्त्यजाम अपि युवावस्थायामेव, युवावस्था में ही जो दुस्त्यज श्री को त्याग करके उत्सृष्टुम ऐशत सह असुभिः, ओ बड़ा आश्चर्य, प्राणों के सहित इस युवावस्था में दुस्त्यज ऐश्वर्य को
उत्सर्जन करने को बैठा हुआ है। कथम, क्यों ऐसे कर रहा है वो, ये प्रश्न। यद्यपि मान लो आप कह सकते हो तो विरक्त है, उसको जरूरत नहीं है, तो भी शरीर तो नहीं छोड़ना चाहिए। जो विरक्त है ठीक है, धन दौलत को त्याग दिया, सब त्याग दिया, जब वास्तव में आपको कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, छल नहीं, गबड़ नहीं, कुछ नहीं, परम विरक्त परम अज्ञानी संतति है, तो भी आपका शरीर नहीं त्याग सकते आप, क्योंकि फिर आपका शरीर आपका अपना नहीं रहा, तो शरीर अब दूसरों का है, जनता का है, आपको त्यागने का अधिकार क्या। यदि परिषद तर्क दे रहा है कि भाई मैं तो विरक्त हूं, मुझे कोई जरूरत है नहीं संसार की, इसलिए मैं शरीर छोड़ना चाहूं, नहीं, ऐसे विरक्तों का शरीर अपने लिए नहीं होता, विरक्तों का शरीर लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए उस शरीर पर उस व्रत को भी अधिकार खत्म हो गया, जो विरक्त है तो आपके शरीर से विरक्त हो जाइए, तो शरीर को मारने का अधिकार दे सकता। जैसे आप किसी भी चीज की आपका अधिकार नहीं मान रहे हैं, सबको आपने अभयम सर्व दिया, आपने सबको अभय नहीं दिया, तो शरीर को भी तो अभय दो ना, शरीर को क्यों मार रहे हो, शरीर को भी तो अभय दान देना चाहिए। और ये परीक्षित जो है शरीर को त्यागने बैठ के अनशन कर रहे, ये तो ठीक नहीं, लोक कल्याण के लिए तो उनको जिंदा रहना चाहिए। कोई पूछ रहे शिवा ये लोक से भवा ये भूत ये भूत ये उत्तम श्लोक परायणा जना जीवंती नात्मार्थम असौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। लोकस्य शिवाय भवाय भूतये च यह उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवंती न आत्मार्थम जीवंती। वे अपने लिए नहीं जीते हैं, वे जो है उत्तम श्लोक परायणा, उत्तम श्लोक है शांस यस्य सा उत्तम श्लोक, मैंने परमात्मा भगवान के चरणारविंदों के स्मरण करता हुआ जीने वाले लोग उत्तम श्लोक परायण, ऐसा जो जनाः आत्मार्थम न जीवन्ति, किमर्थम जीवन्ति लोकस्य शिवाय, लोक का आम जनता के कल्याण के लिए, आम जनता का भवाय आम जनता की समृद्धि के लिए, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनकी समृद्धि होगी, वो आगे बढ़ेंगे, अच्छा है, किसी का जो है उन्नति हो रहा है, मार्गदर्शन तो हो ना, आप ज्ञानी हैं, विरक्त हैं, आप जिंदे रहेंगे तब ना आप दूसरे साधकों को मार्गदर्शन करोगे और उसका उन्नति होगा। इसीलिए आम जनता के कल्याण के लिए, साधकों का अभिवृद्धि के लिए, और दरिद्रों पर कृपा करोगे तो उनका ऐश्वर्य बढ़ जाता है। जितने भी ऐश्वर्यवान हुए हैं, बिना संतों की कृपा कोई धनी नहीं हुआ आज तक, हाँ, सब संतों की कृपा, जो बिरला देखो, टाटा देखो, सबकी कहानियां पता लगा तो संतों की कृपा है। जो अभी मरा अंबानी धीरू भाई, उसके भी जीवनी में लिखा हुआ, तो उसके भी जीवनी में एक महात्मा का कारामत है। तो बिना देखो ऐसे जो परम व्यक्त होता है, जिसको स्पृहा नहीं, इच्छा ही नहीं उनसे कुछ लेने का, वो कृपा कर दी, ये नहीं कि वो अरबपति हो रहा है फिर बाद में उसे मांग रही, अरे हमारे आशीर्वाद से तुम हुआ है, लाओ इधर करोड़ रुपया ला, नहीं, वो पता ही नहीं महात्मा कहाँ है, कर दिया कृपा, वो चले गए गायब, पता ही नहीं, वो आपने पकड़ ही है। तो ऐसे संत की कृपा ही से कोई धनी होता है, ऐश्वर्यवान हो सकता है, नहीं तो लालची लोभी महात्माओं की कृपा से कुछ नहीं होने वाला, वो थोड़ा कल्याण कर दे फिर बाद उसे तुरंत चूसना भी चालू कर दे, मैंने तेरे पर कृपा किया था अल्लाह तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता, खुद भी गिरा हो इसको भी गिरा दिया, दोनों ही खत्म हो गया। इसलिए ये ऐसे होते हैं जो भूत, ये उत्तम श्लोक परायणा जनाः ते नात्मार्थं चपितो लोकस्य शिवाय लोकस्य भवाय लोकस्य भूते। इसे ऐसा है असौ पराश्रयम्, इसीलिए उनका जो शरीर क्या है पराश्रय, माने लोगों के आश्रित हो गया, दूसरों के आश्रित हो गया, परमेव आश्रित दी थी पराश्रय, अन्य लोगों के आश्रित हो गया,
ऐसे को निर्विद्य वैराग्य करके उतक कलेवर मोच, वो अपना शरीर को कैसे त्याग सकता है जब उसका अपना शरीर तो है नहीं ना। मेरा शरीर हो तो मैं अपने शरीर को त्याग सकता हूँ, मेरा अधिकार है, नहीं मेरा शरीर है। यदि हम विरक्त हैं तो मेरा शरीर कहाँ रह गया, मेरा शरीर तो रहा नहीं, फिर मैं कैसे त्याग सकता हूँ। संन्यास नहीं हो गया, अभय सर्वभूतेषु कह दिया आपने, सारे भूतों को आपने अभय दे दिया, तो शरीर को भी आपने अभय दान दे दिया है। अब इसलिए शरीर को गंगा जी में छोड़ने का अपने को हक नहीं है, यह अनशन करके मरने का हक नहीं है। अपने आप शरीर मर जाए, मर जाए, जब चाहे तब मरे, जैसे चाहे वैसे मरे, इसे कोई लिंग नहीं। जब तक शरीर जिंदा है इससे दूसरों की भला हो रहा, इसका जिंदे रहने से दूसरों का भला है। ऐसे विरक्तों का शरीर का जिंदा रहने से ही दूसरों का भला होता है, उनका दर्शन, उस शरीर का दर्शन, शरीर का सेवा करके लोग अपने भला कर लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए इनका कहना है, जब यदि मान लो परीक्षित कहे कि मैं परम विरक्त हूं, मैं सब कुछ त्याग दिया हूं, इसे मेरे को शरीर को बचाने की जरूरत नहीं है, इसे मैं अनशन करके शरीर छोड़ना चाहता हूं, तो उस तर्क को श्लोक से काट दिया, क्योंकि ऐसे भी आप नहीं कर सकते। यदि आप परम विरक्त हैं, निर्विद्या आपको वह बिल्कुल परम वैराग्य बना हुआ है, तो वैराग्यवान पुरुष वैराग्य करके आप इस कलेवर को उत्तम उमोच कैसे त्याग कर सकते हो, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, किंतु पराश्रय मसौ शरीर पर आश्रय भवती। तत्सर्वं न समाचक्षव चक्षव पृष्टो यदि किंचन मन्ये त्वं विषये वाचां स्नातं मन्ये तृच्छान्दसा। तत्सर्वं न समाचक्षव, वह सारे प्रश्न बता दिया व्यास जी, भागवत क्यों लिखे, शुरुआत से करो हमारे को सब कहानी बताओ, व्यास जी आखिर में क्यों भागवत लिखे, भगवान ने चष्टों की भागवत क्यों प्रकट किया, फिर उसका विस्तार करके व्यास जी ने भागवत क्यों लिखा, फिर सुखदेव जी का परीक्षित के संबंध कैसे हो गया, और परीक्षित भी ऐसे विरक्त होकर के भी क्यों मरने को तैयार हुआ, सारी कहानियां हमें स्पष्ट बताना। पृष्ठो यदि किंचन, जो मेरे द्वारा पूछा हुआ है यहाँ, जो कुछ भी प्रश्न है, उन सब को जो है आप सीमित प्रकार से हमको कहें, क्योंकि हम आपको मानते हैं। मन्ये त्वाम विषय वाचाम स्नातम मन्यत्र छांदसा, कि छांदसा अन्यत्र सर्वेषां विषय स्नातम त्वया इति वाम वयम मन्ये अहम मन्ये। तो हम जानते हैं कि वेद को छोड़कर, यहां से लगता है सूत्र नीच जात का ही था, ब्राह्मण क्षेत्र में श्री था, क्योंकि वेद क्यों नहीं पढ़ा, यहां स्पष्ट हो गए चांद साध अन्यत्र। टीकाकार स्पष्ट कहते हैं यहां पर चांद साध अन्यत्र वैदिक व्यतिरेकेण अत्रैवर्णिकत्व, स्पष्ट अत्रैवर्णिकत्व, त्रैवर्णिक वर्ण संकर में आ गए। लोग ज्यादातर मानते नहीं इस बात को, एक एक श्लोक है यहाँ पर, इसी एक जगह पर आता है कि वेदाधिकार उनको नहीं था, वेद उन्होंने पढ़ा नहीं था, बाकी सारे शास्त्र पढ़े थे, सब स्मृति जितने पुराण वराण सारा उनको क्या पूरे में डुबके लगाया हुआ है। इसे विषय वाचा विषय स्नातम, अन्य जितने भी वांग में शास्त्र है, शद्राशि वाचम विषय मैंने वांग्मय शास्त्र, स्मृति पुराण इतिहास वगैरह जितने भी हैं, सर्वांग ज्योतिष पोती सब ए टू जेड अन्य शास्त्र, वेद को छोड़ करके अन्य पूरा शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़े, इन छांद साध अन्य तो खो दिया,
और टीकाकार स्पष्ट इसने घोषित कर रहे हैं यहाँ अत्रैवर्ण्य। इन कथाकार इस बात को मानते हैं, कहते नहीं सूची जो है वो जो जिसे हमने पहले भी अर्थ इसलिए किया ही है, जो याग में सत्र याग में अभिषिक्त है उसको कहते हैं, अथवा जो सदा ही ज्ञान में जो अभिषिक्त रहता है उसका नाम। यदि भी ज्ञान में अभिषिक्त शूद्र भी हो सकता हो, बात अलग चीज है, वो तो बन जाएगा, वो अर्थ तो बन जाएगा, लेकिन वो जो दूसरा अर्थ निकाल करके त्रैवर्णिक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, यज्ञ में जो अभिषिक्त सोमम एव श्रूयते, सोम क्या है, सोमरस सोमयाग से संबंधित कर देते हैं, वो गलत अर्थ है। सोम मने अमृतम, किं तद अमृतम, ब्रह्म एव तस्मिन् एव श्रुतः अभिषिक्ता इति श्रुतः, वो अर्थ सही बने। त्रैवर्णिक में गिनना इनका ठीक नहीं, नहीं तो ये श्लोक स्वयं यहाँ पर शौनक कह रहा है और प्रशंसा करते कहेंगे हे शूद्र, ये प्रशंसा वाली बात है। आप जानते हैं कि आज की जमाना ऐसा है कि भंगी बोलना अपराध है। एक बार प्रधानमंत्री ने जो है वाचा विषय त्वाम मन्य, वाचा विषय स्नातमिति त्वाम मन्य, समस्त वाचा में विषय गिराम गोचरे अर्थे, वाणी के विषय बनने योग्य जो कुछ भी पदार्थ है संसार में, श्रुतियों को छोड़कर स्मृतियों से लेकर इतिहास प्राण पर सारे चीजों को आप सम्यक प्रकार से पारंगतम ताम इति मन्ने, हम आपको पारंगत मानते, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न है इनको आप समय प्रकार से इनका जवाब जानते हैं, आप अवश्य में जवाब बताए। सूतवाच देखो भी नाराज नहीं है इस बात, आप शूद्र कह दिए तो नाराज नहीं है, पर आप बहुत त्रैवर्णी के वेद नहीं पढ़े हुए तो उनको अपमान नहीं महसूस होगा, वो जवाब देना चालू कर दिया, नहीं तो नाराज होना चाहिए ना, हम वेद नहीं पढ़े हम जी क्यों पूछ रहे, जाओ ना पंडित से पूछो, वेद पढ़ाने कौन से पूछो, ऐसा नहीं कहा, नाराज नहीं हुए। आज किसको कह दो हम जानते हैं कि आप बृहद प्रस्थानांतरी वगैरह पढ़े नहीं है, फिर भी हम आपसे विधान परिभाषा पढ़ना चाहते, नाराज हो जाए नहीं होगा, अपमान महसूस होता है ना। अब यहाँ देखो सूची इतने महान है, उनको कह दिया है, देखिए हम जानते हैं कि आप वेदों को पढ़े लिखे नहीं है, वेदों के मामले में आप अनपढ़ नहीं, अनधिकृत है, अत्रैवर्णिक है आप, फिर भी मित्र जानते हैं कि वाक का विषय जो भी था अर्थात श्रुति के अर्थ को भी आप जानते, भले श्रुति पढ़े नहीं, श्रुति का अर्थ जानते, लेकिन स्मृति इतिहास पुराणों के माध्यम से महाभारत आदि के माध्यम से आप श्रुति अर्थ को पूरा अच्छी तरह से जानते, इसे नाराज होने की कोई बात यहाँ नहीं है। तो जवाब देते सुतोवाच द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जात पराशर आदियोगी वासव्यं कलया हरे द्वापरे समन प्राप्त तृतीय युग पर द्वापर युग का सम्यक प्रकाश अनुप्राप्त होने पर द्वापरे समन प्राप्त तृतीय युग पर यहाँ पर बड़ा विलक्षण है, आप बताओ तृतीय भी कह दिया द्वापर की अनुप्राप्ति भी कह दिया, कैसे घटेगा तृतीय तो? समन प्राप्त मैंने समाप्त है ऐसा करना पड़ेगा, द्वापरे समाप्त है तब तृतीय घटेगा, जब तृतीय भूता जो द्वापर युग उसकी समाप्ति के समय में व्यास जी का जन्म हुआ। अब ऐसा अर्थ करोगे तो गड़बड़ ही होगा, फिर वेदों का जो उन्होंने चार छेड़ों को पढ़ाया करके आगे कहेंगे वो कब हुआ था, तब तक ये कवे थी ये मानना पड़ेगा, तो भाई सत्युग में त्रेता युग में और पूरे द्वापर युग था, कभी वेद एक ही था पूरा, चार भाग नहीं हुआ, द्वापर के
समन प्राप्त होने पर तृतीय युग पर ये तृतीय युग संधि में युग पर युग संधि में तृतीय युग से पर परिवर्ते संधौ या इसे टिप्पण कार के तृतीयत्वम कलिम आदय वैपरीत्य न गणन है कली से उल्टा गिनो कली को एक द्वापर का दो त्रेका को तीन उसके आगमन पे समर प्राप्त कर करेंगे इसलिए उसके आगमन पर अर्थात सत्युग का अंत में त्रेता युग का आरंभ में ऐसा अर्थ है। ये टिप्पण कार का ज्यादा अच्छा ठीक लगता और दूसरा लेकिन कृतादि चतुर्थ युगस्य पर्याय गणनायां तो तृतीय युगे द्वापरे समनुप्राप्ते सति अर्थात समाप्ते सति ये दूसरा भी अर्थ वहीं से शुरू करो। नंबर एक सत्ययुग है, दूसरा त्रेता है, तीसरा द्वापर है, उसकी समाप्ति। अब यहाँ से तीसरा क्यों, वहां से तीसरा, वही कंस वाला चक्कर बढ़ा दिया नारद जी जैसे। अब दोनों और घट सकता है तो तारशुगे द्वापरे समन प्राप्त सती कृतयुग अपेक्षा तृतीय द्वापर युग पर युग पर्यवसान समन प्राप्त युग पर्यवसान इसलिए कहते है ना अनुसमाप्ति की अर्थ लेना पड़ेगा। वही जाए क्यों द्वापर विशेषण गड़बड़ हो गया, यदि हम वहां ले जाए उल्टा हमारे से तीसरा ले लेंगे वहां द्वापर कहा है, वो तो सत्य और त्रेता का संगम बनेगा, द्वापर पर शब्द ही गड़बड़ा जाएगा आपको। यदि इसीलिए यहां पर इनका कहना है सीधे क्रम से ले लो और समनुप्राप्त समागमे अनुप्राप्ति मैंने आगम होता है समनुप्राप्त समागम अर्थ तो निकलता है वास्तविक यही अर्थ प्रसिद्ध है। लेकिन यहां पर क्या करना धातुरा मने का अर्थत्व और उपसर्गों का भी कोई नियम नहीं, एक ही अर्थ बदल कराएंगे। उस उपसर्ग तो अलग अलग बताते हैं ना, उपसर्ग के क्या श्लोक है, उपसर्ग की तीन गति है ना, आदात्वर्तम बाधिते कश्चित् कश्चित् तम अनुवर्तते तमेव विशिष्टेन्यत्युपत्युपसर्गस् गतिस्त्रिधा। जानते है ना नहीं जानते, श्लोक श्लोक नहीं आता सिद्धांत का भी पूरा हो गया। ये श्लोक तो लघु का मामला है, क्यों उपसर्ग की तीन गति कहीं कहीं धातुर्थ को बाधित कर देता है, कहीं धातुर्थ का अनुवर्तन कर उसी का पोषण कर देता है, जो है वही अर्थ है, अलग कुछ नहीं जोड़ता उसमें, जो धातुर्थ है उसी अर्थ में उपसर्ग आ गया, उपसर्ग की वजह से अर्थ विशेष पैदा नहीं हुआ। और धातुर्थ में विशिष्ट और कोई कोई धातुर्थ में विशेषण बन के विशेषार्थ जोड़ देंगे, जैसे आहार विहार प्रहार इत्यादि अर्थ विशेष पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के उपसर्ग की तीन गति है, इसे समर अनु को प्राप्ति के साथ में समागम अर्थ करना कोई जरूरी, समाप्ति अर्थ भी हो सकता है। द्वापर युग की समाप्ति काल में युग के संधि काल में ज्यादा पराशराद योगी वासव्याम करे आ रहे है, पराशर से वासव्याम ने सत्यवती में हरि की कला से महान योगी का जन्म हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हुआ। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रवि मंडल स कदाचित, वह कभी सरस्वती नदी के तट में व्यास गुफा है भी उधर सरस्वती नदी जहां माना जाता है रुद्रनाथ से आगे सरस्वत्या उपस्पृश्य सरस्वत्या जलम उपस्पृश्य मैंने स्नान आदि करके शुद्ध होकर के संध्या पूजा पाठ हवन वगैरह कर लिया, ये भी ग्रस्त थे सारा काम किया, करने के बाद में विविकता एकांत अलग होकर के एक आसी पत्नी अपना काम धंधा कर रही है वो अकेला बैठा हुआ, अकेले जो है बैठे हुए विकल्प मंडले रवि उदिते, रवि मंडले उदिते माने रवि आकाश मंडल में जो उदय हो गया सूर्योदय के काल में वो अकेले ही
सबसे अलग हो करके एकांत विविध मन देश में रहस्य प्रदेश है, एकांत प्रदेश कोई नहीं वहां पर, शांत वातावरण, चिड़िया भी वहां कहां बद्राचार्य बाप बाप के बीच में, उस समय तो यहाँ भी बर्फ रहा होगा उसकी उसी उदो उस समय। ये तो धीरे धीरे देखते देखते ही बर्फ घटते जा रहा, गोमुख की तरह पीछा हो गया गंगोत्री से। जब गए थे हम लोग उस समय 14 किलोमीटर, आज 18 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और बढ़े 10-15 साल के अंदर घट गया लगता है। इधर गंगा जी चाइना में चली जाएगी, यही गति होगा तो उधर बच जाएंगे। तो ऐसे प्रदूषण के कारण सारे पेड़ों को काट दिया, चौपासा है तो कहां है वहां पर भोजवास करते, कहा भोजपत्र का पेड़ वाई एक दो ही गिनते सब काट दिया। नतीजा ये हो रहा है, गड़बड़िया हो रही। तो खैर उस वहां पर वो एकांत प्रदेश में अकेले ही बैठे, उनके दिमाग में बात आने लगा। परावरज्ञस्य ऋषिः कालेन अव्यक्तं हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे। परावरज्ञ कार्य और कारण को जानने वाला, भूत और भविष्य को जानने वाला ऋषि, वह ऋषि वेद व्यास कालेन अव्यक्तं हसा, कालेन अव्यक्त है वेग जिस्त, रंगस मने वेग गति, पता ही नहीं चलता है उम्र बीतते चला जाता है, बाल सफेद भी हो गया बूढ़ा भी हो रहा है, पता ही नहीं चलता है कहाँ टाइम जा रहा है, ठीक ही नहीं, दिन बीतते जाते हैं पता ही नहीं चलता, साल बीत गया 2 साल बीत गया पता ही नहीं चलता कितने साल बीत गया जा रहा है ना। काल की गति को कोई पकड़ता नहीं, कोई देख भी नहीं पाता है, समझ भी नहीं पाता है, हाथ से निकल जाता करने। चलता हुआ काल के कारण से, अव्यक्त वेग से चलता हुआ काल के कारण से युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि, इस पृथ्वी धरातल के ऊपर युग धर्म में व्यतिक्रम युग युग में भी होते जाता है, सब बिगड़ जाता है, सब वर्ण संकर हो गया, सारा सांकर हो गया, हर चीज में खान पीन रहन सहन शरीर की शक्ति में भी